हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शेर बहादुर यादव, यू आर माई टीचर। वी स्टार्ट, हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, हम क्लास 9 में सब्जेक्ट मैथ हिंदी मीडियम में एक्सरसाइज 1.1 का 3 तक क्वेश्चन हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4th में देखिए, 5 नंबर है इसका। क्या दिया गया, 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इसका मेथड हम पहले ही बता चुके हैं, पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो सॉल्यूशन, यहाँ पे 3 और 4 की बात की गई है, तो यहाँ पे एक्स मान लेंगे, जो 3 है वो एक्स बराबर 3 मान लेंगे और वाई बराबर 4 मान लेंगे। जितनी हमको परिमेय संख्या निकालनी है, 5 निकालनी है, वो एन के इक्वल एन बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बताया अगर एक से अधिक परिमेय संख्या निकालनी होती तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिफरेंस डी निकाल लेते हैं। वो देखिए, डिफरेंस डी निकाल लेंगे, उसका फार्मूला है वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन। सबकी वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे, आ जाएगा 1.6। ये हो गया आपका डिफरेंस, हो गया। ठीक है ना, डिफरेंस। अब पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या का फार्मूला एक्स प्लस डी होता है। एक्स की वैल्यू रखी और डी की वैल्यू रखी, ठीक है ना, 3/1 + 1/6। नीचे देखिए, डिनोमिनेटर 1 और 6 है, इसमें क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर 6 है उसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले लेंगे, नीचे से डिवाइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18, 3 में मल्टीप्लाई हो जाए 6, 3 18 18 + 1/6, उसको सॉल्व करेंगे 19/6। पहली वो आ गई, पहली परिमेय संख्या आ गई। दूसरी परिमेय संख्या ऐसे निकालेंगे फार्मूला को, x प्लस 2d, डी का डबल कर देंगे। तो पहले d का x की वैल्यू रखी, प्लस 2 लिखा, इंटू डी की वैल्यू की, सॉल्व किया इसको, साइड में देखिए बराबर लिखते जाइए, 3/1 + 1/3 आ जाएगा। यहाँ भी 3 एक में डिनोमिनेटर 1 है, 3 है, इसमें डिनोमिनेटर 3 ले लेंगे और फिर 3 से 3 में 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 9 + 1/3 10/3, दूसरी परिमेय संख्या। सेम प्रोसेस वैसे ही तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए वही प्रोसेस, एक्स प्लस 3d में वैल्यू रखते जाएंगे, पुट करते जाएंगे, आ जाएगा देखिए साइड में 3/1 + 1/2। यहाँ भी डिनोमिनेटर अलग अलग है, एलसीएम ले लेंगे 2, नीचे से जो है मल्टीप्लाई करके 6 + 1 = 7/2, तीसरी आ गई। सेम प्रोसेस चौथी परिमेय संख्या भी ऐसे ही निकालेंगे, एक्स प्लस 4d, 4 लिखेंगे, एक्स की वैल्यू रखेंगे, 4 लिखेंगे, इंटू डी की वैल्यू रखेंगे, फिर सॉल्व करते जाएंगे, 4d आ जाएगा आपका 4/6, उसको क्या करेंगे फिर 3/1 और + 4/6 को सॉल्व करते जाएंगे एलसीएम लेकर के, 18 + 4/6 आ जाएगा। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 22/6, उसको सॉर्ट कर दीजिए या वही रहने दीजिए, 22/6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2/3 आ जाएगा। ओके, पाँचवीं परिमेय संख्या हमको सेम ऐसे निकालनी जैसे हम निकालते हैं, सब वैल्यू रखनी, x + 5d, x के नीचे लिखेंगे 3 और + 5 × d, की वैल्यू रख देंगे, 5 का 1/6 मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे तो आ जाएगा देखिए साइड में 3/1 + 5/6 आ गया। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे उसी तरह, 6 का 3 में 1 में मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, 18 + 5/6 आ जाएगा, 18 में 5 प्लस कर देंगे 23/6 आ जाएगा। ये आपकी पाँच ऊपर में देखिए, 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या आपकी ब्रैकेट में लिखी हुई रेड पेन से, 19/6, 10/3, 7/2, 2/3 and 23/6, सब जो निकलना लाइन से। ठीक है ना, ओके, आपका होमवर्क है नीचे, 2/5 और 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ये आप होमवर्क में करके लाइएगा।